वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड बेल आइकन पर प्रेस जरूर करिए और ऑल पे ओके कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। हेलो दोस्तों, मैं मानवेंद्र आपका स्वागत करता हूँ एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि खैनी किस तरह से तैयार किया जाता है। तो आप देख सकते हैं सारे आइटम्स मेरे पास मौजूद हैं जिससे कि हम खैनी बनाएंगे। ये है टोबैको कंप्ला नस, जो यूपी में पैदा होती है, खेती होती है, और भी जगह खेती होती है इस टोबैको की। इसको कंप्ला ओरछा बोलते हैं पूरा नाम, ठीक है। तो ये हमने ले ली है और इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स भी डाल रखे हैं। तो अब हम इसको मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद हम इसमें कंपाउंड भी देंगे। देखिए, इस वीडियो का पर्पज किसी भी ब्रांड को प्रमोट करना बिल्कुल नहीं है, ना ही टोबैको प्रोडक्ट को बढ़ावा देना है। तो जस्ट आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए इस वीडियो को दिखा रहे हैं। तो आप देखते रहिए कि किस तरह हम खैनी को तैयार करेंगे। हम जो खैनी बना रहे हैं, ये एक उस तरह की मिलती जुलती नोट है जैसे हंस छाप खैनी जो चलता है उससे मिलता जुलता है। तो आप देखते रहिए, देखिए किस तरह से हम इसको पूरा मिक्स करेंगे। इसको सारे इंग्रेडिएंट्स हमने यूज करके इसमें डाल लिए हैं। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि हमने जब इस इंफॉर्मेटिव वीडियो यूट्यूब पे डालना स्टार्ट किया था, तब कोई भी वीडियोस नहीं थे इंफॉर्मेटिव, लेकिन लोगों ने कॉपी करना स्टार्ट कर दिया। आज मैं इस डेट को डाल रहा हूँ, आप चेक कर सकते हैं, लोग फिर देख के कॉपी करेंगे, इस तरह के डालेंगे। अब देखिए, हम इसमें डाल रहे हैं ये कंपाउंड और थोड़ा सा हमने इसमें मैंथॉल भी लिया है, क्योंकि खैनी जो होती है थोड़ी ठंडक भी देती है ना। कंपाउंड जो यूज किया है इसकी स्टेबिलिटी के लिए, ताकि जब ये खैनी बन के तैयार होगी तो इसका जो स्मेल है और इसका जो टेस्ट है वो प्रॉपर इसमें बरकरार रहेगा महीनों तक। ये दोस्तों आती है मैन्युफैक्चर्ड खैनी में, है ना, और विदाउट मैन्युफैक्चर अनमैन्युफैक्चर्ड होता है, जिसमें लोग चूना रगड़ के खाते हैं। तो आजकल इसका मार्केट बढ़ रहा है, कंसेप्ट बढ़ रहा है, लेकिन केमिकली प्रोसेस होता है, बहुत हार्मफुल होता है। तो मैं आपको सलाह यही दूंगा कि अगर आप तम्बाकू का सेवन करते हैं तो आप तुरंत छोड़ दें, क्योंकि तम्बाकू खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। रियलिटी में इससे कैंसर होता है, लोग ज़्यादा मात्रा में यूज करते हैं और आगे तक यूज करते हैं काफ़ी समय तक, तो कैंसर होने की संभावना इससे बहुत ही ज़्यादा होती है। तो वैको तम्बाकू बहुत हार्मफुल है, तो आप इसका प्लीज़ ध्यान दें। तो देखिए, हम मिक्स करते जा रहे हैं, इसको पूरा अच्छे से मिक्स किया जाता है ताकि पूरी तम्बाकू कंप्ला ओरछा होती है, बहुत मोटे टाइप की होती है, बहुत मोटा दाना होता है इसमें। ये साइज़ होता है 6 नंबर का, जिससे कि प्रिपरेशन की जाती है खैनी को लेके। तो दोस्तों, जो भी इंग्रेडिएंट्स हमने यूज किए हैं, इसका फुल फॉर्मुलेशन अंडर प्राइवेसी रखा है हमने, है ना, क्योंकि ये सही नहीं रहेगा और YouTube की कम्युनिटी के गाइडलाइंस के भी ख़िलाफ़ होगा, तो इसलिए मैंने हम आपको पूरा नहीं दिखाया है, ठीक है। तो बन के तैयार है, आप देख सकते हैं, ये है अनमैन्युफैक्चर्ड सूखा हुआ सादा कंप्ला ओरछा टोबैको, और ये रहा आपका खैनी बन के जो तैयार होता है। सारी चीज़ें इसमें, टेस्ट वगैरह सब पूरा प्रॉपर है, ये बन के तैयार हो गया है। तो आप देख सकते हैं खैनी तैयार है। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हैं तो, इस तरह की वीडियो देखने के लिए। पान मसाला टोबैको से रिलेटेड और भी मेरे वीडियो हैं, तो आप जाके देख सकते हैं चैनल पे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।